आज इतना मस्का क्यों मार रही है मस्कुड़ी? सच सच बता, क्या काम करवाना है? वो आज आप कल्बा देवी जाने वाले हैं ना? अभी मुद्दे पर आई तो क्या लाना है वहां से? एक मिनट, ये साड़ी के लिए जामेवार का पट्टा लाने का है। जामेवार का पट्टा? वो क्या होता है? मैं बताता हूँ, एक मिनट मुझे मौका दो प्लीज। यार भाई, वो ब्रेड पे लगाने का जाम होता है ना, उसको एक कपड़े के पट्टे के ऊपर लगाने का, और फिर वो पट्टा 5 वार की साड़ी के ऊपर लगाने का, उसको बोलते हैं जामेवार का पट्टा। बोलिए भाई साहब, क्या चाहिए? दादा भागा तू? अरे सेठ जी, आप तो ऐसे डर गए जैसे मैं कोई भूत हूँ। तू भूत से भी भयानक है भाई। वो तो जैसी जिसकी सोच। नटू काका कहाँ? फिर से कहाँ चले गए? अरे नहीं सेठ जी, मैं तो यही हूँ, जरा गोडाउन में गया था। तो भाई तू यहाँ कैसे आया? साइकिल से। वो देखिए, वो मेरी घुंघरू वाली साइकिल, मैंने छांव में पार्क की है। अरे भाई, मेरा मतलब है यहाँ क्यों आया? अरे सेठ जी, भूल गए, बाघा मेरा भतीजा है। क्या भतीजा अपने चाचा से मिलने नहीं आ सकता? अगर भतीजा चाचा को मिलने आया तो कोई बात नहीं, मिलो भाई, मिलो मिलो। एक सेकंड के लिए तो टेंशन हो गया था। तो भाई आज तेरी दुकान बंद है? कौन सी दुकान? भाई जहाँ तू काम करता है। काम करता है नहीं सेठ जी, काम करता था। क्या मतलब? मतलब ये सेठ जी कि मैंने वो संजय भाई सेठ को सेठ की पोस्ट से निकाल दिया। ओहो हो हो हो, क्या गलती हो गई बेचारा सेठ से? वो संजय भाई सेठ एक नंबर के नादान और ना समझ निकले, बोलो। उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन तू तो संजय सेठ की बहुत तारीफ करता था ना। संजय सेठ सिर्फ जूस पीते है, मुझे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, वो इम्पोर्टेड कुर्सी वापरते, उसके ऊपर ही बैठते, ओरिजिनल कुर्सी है। संजय भाई ये, संजय भाई वो, आज वही संजय सेठ। नादान और ना समझ हो गए। कलयुग है सेठ जी, कलयुग। मैं 10 दिन नटू काका की जगह यहाँ पे आया तो 10 दिन वो मुझसे दूर हो गए, इसी में सब खेल हो गया। और उन्होंने अपने विचार बदल दिए होंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हसे जैसी जिसकी सोच। वो नादान ना समझ नहीं, अकलमंद है, इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ। हाँ सेठ जी, बहुत बुरा हुआ। सेठ जी, वन सजेशन, क्यों ना हम भागा को अपनी दुकान में काम पे रख लें? नटू काका, याद है आपने मुझे एक बार कहा था कि बचपन से आपका एक सपना रहा है, फाइटर प्लेन का पायलट बनना और युद्ध में बम गिराना। यस यस, आई रिमेम्बर। तो वो सपना अभी क्यों पूरा करना है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। मैं समझाता हूँ नटू काका। सेठ जी कह रहे हैं कि आप जाके आपका सपना पूरा कीजिए और आपकी जगह दुकान मैं संभालूंगा, है ना? नहीं भाई, नहीं हो। नटू काका कहीं नहीं जाएंगे। देखो बागा, मैं चाहकर भी तुमको नौकरी पर नहीं रख सकता। क्यों? देखो क्या है, अभी पहले के मुकाबले धंधा कम और खर्चा बढ़ गया। मेरे दुकान में सिर्फ 2 आदमी की मुझे जरूरत है, वो मेरे पास है, नटू काका और मगन। तीसरे आदमी को रख कर मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकता ना भाई। सेठ जी, मेरे पास एक स्कीम है, मेरे पगार में हम दोनों काम करें तो। मुझे मंजूर है भाई, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है ना। क्या सेठ जी? नटू काका, मेरे धंधे का कुछ उसूल है, मैं एक ही पगार में 2 आदमी से काम नहीं करवा सकता। सेठ जी, वन सजेशन मोर, मैं रिटायर हो जाता हूँ, मेरी पगार बागा को दे दीजिए, एक पगार में 1 आदमी बस। नटू काका, लेकिन फिर आपका खर्चा कैसे निकलेगा?
अरे मैं रिटायर हो जाऊंगा तो गांव चला जाऊंगा ना सेठ जी, गांव में मेरा पेंशन बेचते रहेंगे ना। नहीं नटू काका नहीं, मेरे लिए आप आपकी चालू नौकरी छोड़ देंगे। अरे तू मेरे बेटे जैसा है और बेटे के लिए बाप इतना बलिदान नहीं दे सकता। लेकिन नटू काका इस उम्र में बेटा बाप के लिए बलिदान देता है और आप मेरे लिए बलिदान दोगे? भतीजे तू भावना में मत बा, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन नटू काका आप ऐसा मत कीजिए। इस उम्र में आप मैं तुझे एक नहीं सुनूंगा। ओ भरत मिला, शांति रखो जरा। नटू काका रिटायर नहीं होने वाले हैं, मैं उनको रिटायर नहीं होने दूंगा। नटू काका आप कहीं नहीं जाएंगे, इस दुकान से अगर कोई जाएगा तो वो है तू। मतलब तू यहाँ से बाहर निकल, कोई और जगह जा, नौकरी ढूंढ। मुझे पूरा विश्वास है तुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। तुझे पता नहीं है तो कितना होशियार आदमी है भाई। पता है ना? बोलो। लेकिन सेठ जी लोगों को इस होशियार की कदर ही नहीं है। आपको पता है पिछले 3 दिन से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ लेकिन कहीं जगह खाली नहीं मिली। बराबर। फिर मुझे आपका ख्याल आया, सोचा सेठ जी तो बहुत दयालु हैं, मुझे कोई ना कोई काम तो दे ही देंगे, इसीलिए सीधा मैं आपके पास चला आया। नहीं नहीं बराबर है भाई, मैं दयालु हूँ लेकिन क्या मैंने तुझे अपनी मजबूरी बताई, मैं नहीं रख सकता भाई तुझे नौकरी पे। वैसे एक आइडिया है, तू खुद सेठ बन जा। तो फिर आप? अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का सेठ बनने की बात नहीं कर रहा हूं, तू नौकरी छोड़ कोई छोटा मोटा धंधा कर, ऐसा बोल रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने सेठ जी। अरे लेकिन नटू काका मैं कौन सा धंधा शुरू करूँ, मुझे तो सिर्फ टीवी और मोबाइल का ही ज्ञान है, ज्यादा से ज्यादा मैं मोबाइल रिपेयर कर सकता हूँ। हाँ वो भी है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान शुरू करने में तो लाखों रुपए लगेंगे। और अभी के अभी हम लाखों का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? अरे, तुम लोग सीधा लाखों पे कहाँ पहुंच गए, पहले थोड़ा 5-25 हजार का छोटे मोटे धंधे से शुरुआत कर, अगर भगवान ने चाह तो तेरा धंधा लाखों तक पहुंचा देंगे वो। हाँ ये भी सही है। और 4-5 हजार रुपए तो है मेरे पास, बोलो लेकिन उससे कौन सा धंधा शुरू करूँ? आओ हम बैठ के डिस्कस करते हैं, कम। अरे एक मिनट नटो काका, शांति रखो। ये रिमोट से टीवी का चैनल बदलना जितना 1 सेकंड का काम नहीं है, शांति से सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूँ भगत, तू घर पे जा, आराम से शांति से सोच, हम लोग इधर सोचते, अगर कोई ऐसा धंधे का आइडिया मिला तो तुझे बताएंगे। ठीक है, हाँ चलता हूँ सेठ जी। बस 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 भाई बस, सुखी रहे। अच्छा नटू काका। अरे बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तू इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बने। ये बात सच हुई तो इंडिया की वाट लग जाएगी। अच्छा चलता हूँ। भला टली। भला? भला भला हो इसका। हाँ हाँ भला हो। नौकरी जलाकर तापड़ू कर रही हो? तो वहाँ पर इतनी ठंड है? अच्छा नहीं नहीं माँ, वो जामेवाल का पट्टा नहीं मिला, लेकिन क्या है मैंने टप्पू के पापा को बोल के रखा है, वो अभी आएंगे ना तो लेकर आएंगे। आ गए टप्पू के पापा, या बैठिए बैठिए। वाह, एक मिनट बाद टप्पू के पापा कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। ये अब जो मेहमान का स्वागत करते हैं मैडम अपने घर में, आइए आइए बैठिए, वो सुन के दिल बाग बाग खुश हो जाता है। थैंक यू। ये सब कैसे सूझता कैसे है आपको? सब मौके संस्कार है। हेलो हेलो, हम हैं। हाँ हाँ मैंने आपको नमस्कार बोला है। मैं भी माँ को नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा बोल। हाँ हाँ माँ, टप्पू के पापा ने आपको नमस्कार बोला है। हाँ
मैं बात करना चाहती हूँ। अरे लीजिए ना, अरे कीजिए बात कीजिए, उसको शर्मा ना क्या लीजिए। मैं बात करने से भी बड़ा काम करता हूँ, देख ये फोन को माँ के पैर समझ के साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, बस इधर। टोपू के पापा ने फोन को आपके पैर समझ कर आशीर्वाद मांगे हैं। आपको आशीर्वाद दिया है कि आप जल्दी से गैस का सिलेंडर में से गैस के लाइटर जैसे पतले हो जाए। हाँ, टोपू के पापा को आशीर्वाद दे दिया है और उनको बहुत खुशी हुई। दुकान में नटू काका और बागा की चाचा भतीजे की जोड़ी और घर में ये माँ बेटी की जोड़ी, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? अच्छा मैं फोन रखती हूँ। टप्पू के पापा आप आ गए? क्या लगता है आ गए? तो फिर क्यों पूछ रही है? अब दीजिए लीजिए। अरे ये नहीं तो जानवर का पट्टा। हाँ वो नहीं मिला। नहीं मिला? अरे वो क्यों नहीं मिला? वो दुकानदार के पास नहीं था। अरे पर क्यों नहीं था? अरे मुझे क्या पता क्यों नहीं था, उसने कुछ और दो एड्रेस दिए, कुछ वो अंधेरी और मलाड का, बोलो वहाँ से मिल जाएगा। हाँ तो वहाँ जाना चाहिए था ना। अरे मैं तेरे जमे वार के पट्टे के लिए कालबा देवी से अंधेरी, अंधेरी से मल्लाड ऐसे पूरा दिन घूमता ही रहूं? मुझे और कोई काम धंधा नहीं है। देख दे, सुबह से तो बाघा ने मेरा बहुत दिमाग खाया, तू मेरा और दिमाग मत खा प्लीज। ओहो बाघा भाई आए थे? हाँ तेरे बाघा भाई आए थे। वो क्या कह रहे थे? नौकरी मांग रहे थे। लेकिन वो तो कहीं और नौकरी कर रहे थे ना? लेकिन वहाँ से उनको निकाल दिया। क्यों बोला? वो नट्टू काका की जगह पे हमारी दुकान में आया था, तो उसकी जगह पे उसके पुराने सेठ ने नया आदमी रखा था, तो अभी वो वापस गया, तो नए सेठ ने बोला कि नहीं भाई नया आदमी ठीक है तुम जाओ। चलो बाघा भाई, अब जाए तो कहाँ जाए? मैं क्या कहती हूँ कि आप बाघा भाई को दुकान में रख लो ना। अरे क्या रख लो दया, ऐसे कैसे रख सकता हूँ? तो धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से खर्चा कितना बढ़ गया, बिजली का बिल पहले 4,000 आता था अभी 7,000 हो गया, ऐसे में अगर बागा को रखा तो दुकान में अधिक मास हो जाएगा। देखिए टप्पू के पापा आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बस आप अपनी तबीयत संभालिए, और अगर ऐसा हो तो हम एक ही टाइम खाना खाएंगे, और मैं तो 4-5 दिन हवा पानी और सूर्य प्रकाश से भी चला सकती हूँ। अरे भाई इतने भी बुरे दिन नहीं आया हमारे, तो इतना टेंशन मत ले तू भाई, खाना लगा, बहुत जोर की भूख लगी है, तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। चल चल। तो पापा सच में कोई टेंशन नहीं है? अरे नहीं है भाई, तो जाना जल्दी। हेलो हेलो सेठ जी, बागा हियर। बोलो बागा। सेठ जी फोन पे ही पैर पड़ रहा हूँ, आप आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों आशीर्वाद क्यों चाहिए? अरे सेठ जी पहले आप आशीर्वाद तो दीजिए। पहले तो बता आशीर्वाद क्यों चाहिए। ठीक है वो समझाने घर पे आ जाता हूँ। दिया भाई आशीर्वाद दिए, तू खुश रहे, फूले फले और मुझे तुझसे टेंशन ना हो, बस। थैंक यू सेठ जी, अब पूछिए मैंने आपसे आशीर्वाद क्यों मांगे। क्यों आशीर्वाद मांगे भाई? सेठ जी आपने मेरी लाइफ बदल डाली। कैसे? अरे सेठ जी आप महान हो महान, आपने मुझे जो खुद का धंधा शुरू करने का आइडिया दिया था ना, अरे सेठ जी मैंने बहुत गहरा सोचकर, बहुत दूर की सोचकर और वक्त की नज़ाकत को देखकर मैंने ऐसा ऊंचा धंधा सोचा है कि कुछ ही समय में लोग मुझे बागा नहीं बागा सेठ कहकर बुलाएंगे। अच्छा चलो ये खुश रहेगा तो मुझे टेंशन नहीं भाई, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खुश हुआ भाई ये खुश खबरी सुन के मैं। थैंक यू सेठ जी,
आपकी वजह से मेरा यह धंधा ऐसा चलेगा कि कुछ ही समय में आप गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके मुझसे कहेंगे, बागा सेठ मुझे भी अपना पार्टनर बना लो, वरना मैं भी यही बिजनेस शुरू करूंगा। ऐसा कौन सा धम? ओहो, रुपया खत्म हो गया, दूसरा कोई डालना पड़ेगा। रहने दो, ऐसे भी काम की बात तो हो गई है, रुपया क्यों बिगाड़ो। ऐसा कौन सा धंधा करने जा रहा है ये? मेरे आइडिया से धंधा कर रहा है, कहीं ये मुझे फंसाएगा तो नहीं? भगवान लाज रखना मेरी। लीजिए। हाँ। अच्छा टप्पू के पापा, आपका आज का प्रोग्राम क्या है? आज बस अभी अफ्रीका के जंगल में जा रहा हूँ 6-7 शेर खरीदने। अरे हुआ, घड़ा सर्कस खोलने वाले हैं? ये खिसकोली, सीधे सीधे बोलना, काम क्या है? अब वो क्या है कि वो जमेवर का पट्टा। दया, तुझे दो नए एड्रेस दिए ना, तो अभी मैं नहीं जाने वाला, तू ही लेकर आ। बाबा पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं और अंजलि भाभी दोनों आज दोपहर को जमेवर का पट्टा लेने के लिए जाने ही वाले हैं। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही है आज आपका प्रोग्राम क्या है? वो क्या है कि अचानक वो काम से आप घर पे आ गए और मैं आपको ना मिली, तो आप टेंशन में आ जाएगा ना कि कहाँ है मेरी दया, मेरी दया कहाँ है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं होगा, तो खुशी खुशी जमेवर का पट्टा लेने जा। हाँ, थैंक यू। अरे दया, तू जाई रही है तो मेरा एक काम करेगी? आज उंधियों खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मार्केट से जरा उंधिया की सब्जी लेकर आएगी? जरूर। तो आप भी एक काम करना, दोपहर का खाना थोड़ा कम खाना और शाम का नाश्ता तो करना ही मत। क्यों? क्या है, पेट खाली रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा उंधियों अंदर डाल सकेंगे ना? मतलब ज्यादा से ज्यादा उंधियों खा सकेंगे ना? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे भगवान, मेरे जेठा सेठ की आइडिया से जिंदगी में पहली बार धंधा शुरू कर रहा हूँ, मुझे सफल करना और मेरे सेठ जी का नाम डूबे ना, इसका ख्याल रखना। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं अपना धंधा खोल रहा हूं। इस महंगाई में महंगे प्याज की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है और उसके कारण डिमांड भी है और हमेशा रहेगी। हे भगवान, थोड़े ही दिन में मैं प्याज किंग बन जाऊंगा। बागा। ओहो बागा, अब सिर्फ बोलेगा या धंधा भी शुरू करेगा? जेठा सेठ का नाम लेके शुरू हो जा। बोलो जेठालाल सेठ की जय। प्याज ले लो प्याज।
राजा अनमोल रत्न प्याज, प्याज ले लो प्याज, प्याज ले लो, प्याज वाला आया प्याज। बिजनेस, और वो भी बाघा, बाघा के नए बिजनेस का श्री गणेश, यानी कि नए हंगामे का श्री गणेश। दोस्तों, बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम में आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए, क्या पॉसिबल है? नहीं ना। ठीक वैसे ही बाघा कोई काम आसानी से कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। और वो भी बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस भी किस चीज का? प्याज का। वो प्याज जो आम आदमी की थाली से गायब होता चला जा रहा है, वो प्याज जैसे आजकल लोगों को काट के नहीं उसके दाम सुन के रोना आ रहा है, उस प्याज का बिजनेस करेंगे बाघा। भाई जेठालाल बड़े खुश है, वो नहीं रो रहे। उन्हें लगा कि उन्होंने बाघा को एक आइडिया दे दिया, और बाघा उनसे मुसीबत की तरह जो बार बार पास आ जाते हैं दूर चले जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा संभव है? नहीं ना। तो फिर क्या होगा? अब आप सोचिए, बाघा के इस नए बिजनेस में बाघा के ठेले से अगर आपको प्याज खरीदने हैं तो बाघा तक आना पड़ेगा, और बाघा तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस सोमवार को मेरे साथ देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए, तब तक प्याज रुलाता है लेकिन आपको हंसाता है। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।